हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सोच रहे हो ये फिर से BHU का क्या सामने आ गया। सो ये है BHU के रेट का फॉर्म स्पेशली फॉर दोज हु आर फिलिंग द रेट फॉर्म इन एग्रीकल्चर एंड वेटनरी। वो भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अभी मैंने ये रेट मेंस का एक्सप्लेन किया था और मेंस के काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स और क्वेरीज आई जिनको सॉल्व करने के बाद अभी वो ठीक से फॉर्म भर पा रहे हैं, बट हम रेट एग्रीकल्चर और वेटनरी का नहीं डिस्कस कर पाए थे। सो आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से मेन पॉइंट्स को कवर करता हूँ वेटनरी और इसके लाइक एग्रीकल्चर के। सो सी, दिस इज़ द फॉर्म। ये जो बुलेटिन आप देख रहे हो, इस बुलेटिन के अंदर सारा चीज़ बहुत ही सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो हम एक एक करके मेन चीज़ पे आएंगे, क्योंकि जो चीज़ें फॉर्म भरने में प्रॉब्लम करती हैं वो चीज़ें क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। जैसे कि कई लोगों ने पूछा कि सर मेन और अलाइड हमको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। सो मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम है, मतलब लाइक किसी गाइड या किसी सुपरविजन की। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो इसकी भी लास्ट डेट सेम है। एलिजिबिलिटी और उसकी बात करते हैं। देखिए, दो फैकल्टीज़ के अंदर ये फॉर्म है, एग्रीकल्चर में और वेटनरी एंड एनिमल साइंस में। ये दो अलग अलग फैकल्टी हैं, दो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूं, जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, ये हमारे मेन कैंपस BHU के अंदर है, और जो ये वेटनरी और एनिमल साइंस डिपार्टमेंट है ये इस कैंपस में नहीं है। BHU का एक और कैंपस है बरकच्छा, वो यहाँ से दूर है, बनारस की सिटी से दूर है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अब देखिए मेन चीज़ पे आते हैं। ये दो फैकल्टीज़ हैं और ये उनके डिसिप्लिन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये उनके डिसिप्लिन है। तो अगर आप एग्रीकल्चर में इन में से किसी भी डिसिप्लिन में हैं तो आप एग्रीकल्चर फैकल्टी में एलिजिबल हैं। अगर आप वेटनरी में इन सब्जेक्ट्स में हैं, लाइक वेटनरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैरासिटोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, फार्माकोलॉजी, वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी, तो आप यहाँ पे इस फैकल्टी से फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए, डिसिप्लिन इन विच PhD स्कॉलर विल बी एनरोल्ड थ्रू रेट ओनली। इसमें अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तो वो काम नहीं करेगी, आपको रेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आपने नेट निकाला है तब भी आपको रेट देना पड़ेगा। अगर इन डिसिप्लिन में आप बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आप वेटनरी पैथोलॉजी के मास्टर स्टूडेंट हैं, तो आपको रेट देना ही पड़ेगा, गॉट इट। और ये कुछ डिसिप्लिन है जो कि एग्रीकल्चर में आते हैं, इस केस में भी आपको रेट देना ज़रूरी है। अब देखिए, ये वो डिसिप्लिन उन्होंने कर दिया, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अगर कोई इससे है और वो रेट एग्जाम्प्टेड है तो सिर्फ वो ही इसमें ले सकता है, गॉट इट। अगर आप रेट एग्जाम्प्टेड हो, आप इस डिपार्टमेंट से हो, सिर्फ आप ही इसको ले पाओगे, एग्जाम क्वालिफाई करके कोई नहीं लेगा। और ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें इस बार PhD का कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो ध्यान से फॉर्म भरिए, अपना डिसिप्लिन देख लीजिए। अगर आप वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी से हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं, तो ये फॉर्म मत भरिए, क्योंकि इसमें किसी भी डिसिप्लिन से एडमिशन नहीं हो रहा है, गॉट इट। अब आते हैं हम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल में, जिसमें कि इन्होंने मेन डिसिप्लिन बताया है जिसमें कैंडिडेट अपीयर करेगा, ये है उसके मेन डिसिप्लिन जो लेफ्ट हैंड साइड में है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये इनके अलाइड, मतलब कोई इकोनॉमिक्स वाला भी है तो वो इसमें कर सकता है, किसी ने MSc या सिंपल MSc AG एग्रोनॉमी में किए तो वो यहाँ कर सकता है। इसी तरीके से जो ये अलाइड सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी के, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इन दो ब्रांचेस के अंदर। देखिए, अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजी से किया है तो आप फूड टेक्नोलॉजी में डाल सकते हैं। वेटनरी में ऐसा कोई भी एलाइड सब्जेक्ट नहीं है, सारे मेन सब्जेक्ट हैं। आपने मेन फॉर्म में देखा होगा बहुत डिफरेंस था, बहुत सारे एलाइड थे, एक एक पैराग्राफ था। यहाँ पर सिर्फ मेन सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि वो मेन सब्जेक्ट में इस बार एडमिशन हो रहा है कि नहीं, जैसे मैंने ऊपर बताया।
चलिए अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, एग्रीकल्चर में बीएससी एमएससी की क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए और ये सारे क्वालिफिकेशन वहाँ पे लिखे हुए हैं। आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो तो एग्रीकल्चर ऑनर्स, अगर आपने इनमें से कोई भी मास्टर्स या वो किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल। अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में आपका जो एमएससी है वो इन इन सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर आपने बीटेक भी किया है फूड टेक्नोलॉजी देन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये सब्जेक्ट्स हैं, आपने ध्यान से देख लीजिए एलिजिबिलिटी, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट होता है, कॉल नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए अब उसके बाद जो इन्होंने मार्क्स बोले 55% एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। तो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं सर हमारा एपीआई बहुत कम हो रहा है, हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स 60% भी नहीं है ग्रेजुएशन या पीजी के अंदर। आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज देखिए 55 उन्होंने बोला है। इसी तरीके से हम वेटनरी की बात करें तो वेटनरी में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, वो भी वीसीआई अप्रूव्ड 5 साल की जो डिग्री होती है वो होना नेसेसरी है। तो वेटनरी की मास्टर्स डिग्री के साथ अगर आपने एमएससी भी किया है कंसर्न सब्जेक्ट में या मास्टर्स डिग्री है किसी भी एलाइड सब्जेक्ट में देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर पीएचडी। व्हाट इट, उसमें भी 55% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। एपीआई का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, पीजी का आपको पूरा परसेंटेज करना है, यूजी का आपको 60%, देन 12th का 25% एंड 10th का 15%, ऐसे करके डिवाइड बाय 2 करना है, आपका एपीआई स्कोर आ जाएगा। और अगर 58-60 आया दैट इज़ गुड इनफ, आप बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप एग्जेम्प्टेड में आओगे, और नहीं है आपके पास कोई फेलोशिप तो आपको रेट का एग्जाम जो मेन वाला एग्जाम हो रहा है वो आपको देना पड़ेगा। अब बात करें हम रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की, वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं 15% टू एसटी, 7.5% टू एसटी, और जितने भी ओबीसी या अन्य कैटेगरी के रिजर्वेशंस हैं वो सबको मिलेंगे जैसे कि अलग मिलते हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, वो सीट्स के अकॉर्डिंग है बट सीट्स डिस्क्लोज नहीं होती, तो आपको अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। चलिए अब हम और इसके अलावा मेन चीज़ देखते हैं। अब बात आती है देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट है, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये टेबल आप ध्यान से देखिए कि आप जिस सेक्शन में फॉर्म भर रहे हैं उस सेक्शन में अगर जीरो मेंशन है तो देर इज नो नीड टू फिल द फॉर्म इन दिस सेशन। देखिए वाटर मैनेजमेंट एग्रोनॉमी के अंदर अगर आपके पास जेआरएफ है, फेलोशिप है, रेट एग्जम्प्टेड में आ रहे हो तो आपको फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है, मत भरिए, आप रेट का फॉर्म भरिए। बिकॉज रेट में देखिए यहाँ 2 सीट दिख रही हैं। इसी तरीके से एनिमल इंजीनियरिंग जो है उसमें भी रेट एग्जम्प्टेड में 0 है बट रेट में 2 सीट है, तो आपको ये देखना है आपकी सीट कहाँ पे है, आप एलाइड वाला भरिए या मेन वाला भरिए, मगर सीट्स देखने के बाद। तो एग्रीकल्चर और वेटनरी दोनों का लिस्ट दिया हुआ है, ये सीट इस बार ऐड हुई हैं जो रेड हैं, 2 और 4 एनिमल न्यूट्रिशन की ऐड अप हुई हैं, वेटनरी मेडिसिन की 1 और 2 सीट्स ऐड हुई हैं, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है वेटनरी में और एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने का। फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, लॉगिन बनाना है, सारा डिटेल्स अपलोड करना है। लॉगिन बनाते वक्त ज़रूर से देख लीजिएगा आप कहीं नॉर्मल फॉर्म भरना चाह रहे थे और एग्जम्प्टेड में तो लॉगिन नहीं बन गया है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन उन लोग का होता है जो रेट एग्जम्प्टेड होते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन होगा, एक लिस्ट आएगा और इंटरव्यू होगा, और जो लोग एग्जाम देंगे एग्जाम देने के बाद एक लिस्ट आएगा और उनका इंटरव्यू होगा। तो ये कुछ डायरेक्ट फेलोशिप्स हैं, अगर इसमें आपके पास कोई भी है यूजीसी की है, आईसीटीसी की है, डीआरडीओ, गेट, नेट, स्लेट, अगर ये सब हैं तो आप एग्जम्प्टेड में आएंगे, और अगर ये कोई भी फेलोशिप नहीं है तो आपको एग्जाम देना होगा, आपको रेट में फॉर्म भरना होगा, ना कि रेट एग्जम्प्टेड। ये चीज़ अभी कई लोगों को क्लियर नहीं है कि सर मैं रेट कैटेगरी में आ रहा हूँ कि रेट एग्जम्प्टेड। लोग अभी भी टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं सर मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मैं रेट में हूँ कि रेट एग्जम्प्टेड। सो प्लीज़ अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इन पॉइंट्स को लेके। देखिए और कोई इतना मेन पॉइंट नहीं है, सेम चीज़ है टेस्ट ए और टेस्ट बी, जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट नॉलेज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी और रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर टेस्ट ए होगा, और जो टेस्ट बी होता है वो स्टूडेंट का सब्जेक्ट होता है उसके बेस पे आएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 MCQ आएंगे,
हंड्रेड मतलब 300 मार्क्स का टोटल पेपर है 120 मिनट्स में। अगर आप पूरे ठीक करेंगे तो 3 × 300 आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप -1 अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया हुआ है, गॉट इट, तो 3-1 का रेशियो रहेगा एमसीक्यू के अंदर। और आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है नेक्स्ट टेस्ट यानी पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। जो एग्जाम्प्टेड वाले कैंडिडेट हैं वो डायरेक्टली अपीयर करेंगे, जो टेस्ट ए देंगे वो फिर उसके बाद टेस्ट बी उनको देना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो रेट के लिए है वो 215, ये टोटल मार्क्स है आपका क्वालिफिकेशन का टेस्ट ए टेस्ट बी का, तो 215 और रेट एग्जाम्प्टेड के लिए 65। तो इसी के इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ है, सारे डिसिप्लिन को जो फीस देनी है वो 400 कैटेगरी को और अदर्स को 800। ये है एप्लीकेशन की फ़ीस, जल्दी से एप्लीकेशन भरिए अगर आप एग्रीकल्चर से हैं या फिर आप वेटनरी से हैं, लेट मत करिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई जगह और वेटनरी का भी फॉर्म आया हुआ है, बट BHU इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि BHU ये इट्सेल्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी सीट स्टेट को नहीं है, ये सारी सीट्स अपना खुद कंडक्ट कराता है। ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं, बहुत जगह सेंटर्स हैं हर स्टेट में, तो आप कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्प्टेड में भी गलती से कई बार लॉगिन में आपको सेंटर पूछ ले रहा है तो आप भर दो, ये एक सिस्टम एरर है, गॉट इट। तो आपको फॉर्म भरना है, फीस सबमिट करने के बाद जस्ट एक प्रिंट आउट रख लेना है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट देखिए 25/6 को है, सेशन ऑलरेडी लेट है तो अब लेट नहीं होगा, आप लोग लेट मत करिए, जल्दी से फॉर्म भरिए। और ये मत सोचिए कि फॉर्म अभी भर रहे हैं 4-5 महीने बाद शायद कुछ आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही जल्दी स्क्रूटनी होगी और रिजल्ट आएंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, कोई भी कंफ्यूजन हो इस फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो आप मुझे उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।